हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं जवान फिल्म से रिलेटेड कुछ ताजा खबरें। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक नई एक्ट्रेस का जवान में होने जा रहा है डेब्यू। देखने में ये काफी सुंदर और सिंपल और स्वीट है। इनके घुंघराले बाल है और नाम है इनका संगीता भट्टाचार्य। आइए इनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है संगीता भट्टाचार्य की कुछ तस्वीरें। उनका जन्म 1996 को दिल्ली में हुआ था। ये एक इंडियन एक्टर, सिंगर, संगीतकार और कंपोजर भी है। इनके डेब्यू वेब सीरीज का नाम फील्स लाइक इश्क है। ये जब कोलकाता में थी तब इनको म्यूजिकल कंसर्ट के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया था। जब उन्होंने ऑडिशन दिया तब उन्हें इस बात से बेखबर थी कि उनकी ऑडिशन फिल्म जवान के लिए हो रही है। वो कहती है, शुरुआत में मैंने जब ऑडिशन दिया तब इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। हालांकि मुझे पता चला तो इस फिल्म के अलग अलग एक्टर के बारे में, तो मैं फूले नहीं समा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सब एक सपना है। मैं बहुत ही खुश थी। उस पल से मुझसे जितने भी क्वेश्चन किए जाते थे प्रोजेक्ट के बारे में, तो समय मैं अपनी हामी भर देती थी। मैं जवान जैसे प्रोजेक्ट कहीं से हूँ यह सोच के ही मुझे घुसबम आ जाते थे। और मुझे यह भी पता है कि करोड़ों लोग इस फिल्म देखने वाले हैं। जवान फिल्म की शूटिंग की एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वे कहती है, इतने बड़े और एक्सपीरियंस एक्टर से और उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने में आप में बहुत इम्प्रूवमेंट फील किया है। जवान के सेट से मैं बहुत ही कीमती धन ले जा रही हूँ। एक बहुत ही यादगार ग्रुप जिसमें न केवल टैलेंट है बल्कि सच्ची दया भावना और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। ये सब व्यक्ति मेरे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं और इनको दोस्त कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और स्पेशली शाहरुख खान के साथ काम करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना सच हो गया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शाहरुख के साथ कॉफी पीऊंगी, उनके साथ गाना गाऊंगी और डांस करूंगी। वह कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में जी रही हूँ। शाहरुख खान के सेट पे सबको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। वे मेरे लिए गिटार भी ले आए जब उनको पता चला कि मैं गाना गाती हूँ। जवान मूवी की बात करें तो 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है और फैंस इसके लिए काफी बेताब है। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो? चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।